बंधे एक डोरी से। हमारी शादी हो चुकी है करण, ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारे एम्प्लॉय खड़े हैं रघु सहरिया, ये हमारे पति हैं। कंग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड मेरी कंपनी में काम करता है और मुझे आज पता लग रहा है। शिवानी, तुम्हारी शादी तो अभिमन्यु से। I'm sorry, मैं थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो गया ना? नहीं नहीं करण, इट्स टोटली फाइन। वो एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें आराम से बैठकर बताएंगे। फिलहाल तो तुम ये सोच लो कि इस दौरान हमारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब हम शादीशुदा हैं करण और बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें वो अपने बेस्ट हस्बैंड मिले हैं। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, लेकिन एक बात बताओ, कहां वो स्कूल की छुई मुई और कहां ये साड़ी, मंगलसूत्र, शिवानी सहरिया? आई मीन इन माई ओपिनियन ये शिवानी सहरिया छुई मुई से बहुत बेटर है ना? प्यार इंसान को बहुत बदल देता है करण। अच्छा तुम हमारी छोड़ो, ये बताओ कि तुम कब शादी करोगे? कोई मिलना भी तो चाहिए, सब तुम्हारी तरह लकी तो होते नहीं जिनको उनका प्यार मिल जाता है। मैं तो अभी भी अपने प्यार की तलाश में। डोंट वरी रॉकस्टार, हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्दी तुझे बहुत अमेजिंग सी लड़की मिलेगी। I'm sure. अच्छा एनी आओ, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं बेटा, थे रुक जाओ, खाना खाके जाना, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, और वैसे भी मैं आपके हाथ का खाना खा चुका हूँ। कहिया? रघु के टिफिन में। तो अगली बार मैं फुर्सत से आऊंगा, फिर खाऊंगा। ठीक है, चल सी यू। बाय बाय, सी यू। अच्छा रघु, टेक केयर। तू अपना नाटक बंद नहीं करेगी ना शिवानी? मजे से नीचे सबके सामने रघु को अपना पति कह रही थी ना, एक बार और अगर तूने उसे अपना पति कहा ना तो तेरी ज़बान खींच लूंगी मैं। अरे सुमित्रा, अरे आओ बैठो तो सही, बैठो 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 यहाँ। तुम्हें पता है कितनी लकी हो तुम, अभी बैठे बैठे हम तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि नीचे जब हमने रघु का हाथ पकड़ा ऐसे, तो हमने तुम्हारी शक्ल देखी थी, इतना सा मुंह हो गया था तुम्हारा, छोटा सा। लेकिन सुमित्रा,
समझना चाहिए ना तुम्हें। After all, रघु हमारा पति है। अब पति को पति नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे बोलो। और कितने दिनों तक इस झूठे रिश्ते के सहारे अकड़ोगी तुम शिवानी? बहुत जल्द रघु मेरा पति होगा और तुम इस घर से बाहर निकाल दी जाओगी थक्के मार कर। वैसे अगर तुम कुछ कर सकती ना सुमित्रा तो कब का कर चुकी होती। हाँ कोशिशें तो बहुत की हैं तुमने लेकिन हर बार फेल हुई हो। जैसे कि उस पिकनिक वाले दिन हमें घर में बंद करने की कोशिश। पता हमें सब है सुमित्रा लेकिन बस सबूत नहीं है हमारे पास इसलिए तुम्हारी पोल नहीं खोल सकते। लेकिन खैर जो भी है तुम्हारी हर हरकत से ऑटोमेटिकली फायदा हमारा ही हो जाता है सुमित्रा। अब देखो ना उस दिन पूरे दिन रघु हमारे साथ था। तुम्हारे नहीं आते वक्त भी और जाते वक्त भी और पूरी रात अकेले डाक बंगले में रघु के साथ हम थे तुम नहीं सुमित्रा। शिवानी अपने हाथ काबू में रखो सुमित्रा। अगर रघु ने देख लिया तुम्हें हमारे खिलाफ ऐसी बदतमीजी करते हुए तो कल की निकलती आज ही निकाली जाओगी इस घर से बाहर। संभाल के आप ठीक है? जी मैं करण सूर्यवंशी। करण सूर्यवंशी किन्नी सूर्यवंशी एकदम परफेक्ट मैच है। गिनी जो लोग थारे को देखने आने वाले थे ना उन लोगों का फोन आया है वो आज को नहीं आ पाएंगे। उनके घर में कुछ घटना घटी बोल रहे थे। कोई बात नहीं मां। किडनी तू फिक्र को नहीं कर हम थारे वास्ते इससे भी अच्छा वर ढूंढेंगे।
आपको क्या पता माँ, मैंने उससे कई ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। बस अब उन्हें मनाना बाकी है। हमारी शादी हो चुकी है करण। ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारे एम्प्लॉय खड़े हैं रघु सहरिया, यही हमारे पति हैं। जिंदगी मुझे तुमसे इस तरह मिलवाएगी ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ वो बात और है कि आज तक ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना। इतना टाइम हो गया है लेकिन मुझे आज भी तुम्हारी हर एक बात, हर एक वो पल सब याद है। जैसे वो फिल्म में होता है शिवानी। अफसोस की बात यह है कि तुम्हें आज तक कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कैसे होता मैं आज तक तुम्हें बता ही नहीं पाया। मैं टूट गया था जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी अभिमन्यु से हो रही है, इसलिए मैं लंदन चला गया। लेकिन क्या फायदा हुआ, आज भी मैं इस घर में अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला, क्योंकि तुम्हारी तरह कोई मिली नहीं। और आज जब तुम मिली हो तो रघु की वाइफ बन के, पता नहीं है जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही। क्या बात कर रहे हैं आप? या आई फिगर समथिंग आउट, कम इन। हाय सर। सर ये जो फाइल आपने मंगवाई थी। थैंक्स सर। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं रघु, वो जो हमारे दिल्ली और अहमदाबाद के क्लाइंट्स हैं ना, वहाँ पर हमारा आदमी हमारे डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन देने वाला था लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट सर। अगर आप कहें तो मैं चले जाता हूँ। तुम आर यू श्योर कि तुम इतने कम टाइम में मैनेज कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, अब कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं। थैंक यू, इट्स ओके सर। तो मैं तुम्हारी टिकट्स करा देता हूँ। जी सर। तब तक तुम तैयारी कर लो। ठीक है सर। थैंक यू। माँ जी, आज आप मंदिर नहीं गई? मैंने तो आपके लिए पूजा की थाली में तैयार कर लिया, ये लीजिए। नहीं नहीं सुमित्रा, आज मारे को मंदिर जाने के वास्ते वक्त कोनी। गिरनी को देखने के लिए लोग आने वाले हैं, तो फिर घर का काम भी तो पड़ा है। माँ जी आप कितना परेशान होती है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अरे परेशान नहीं हो तो काय करो, रघु भी तो नहीं है, काम के वास्ते अहमदाबाद चला गया। माँ जी आप भी कितनी फिक्र करती है, घर का बड़ा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, घर की बड़ी बहू तो है ना। ठीक है तो रुक, मैं हाथ धोकर आई हूं। आइए आइए, अब तू बोल रही है तो चलो कर ही लेती हूँ।
कपड़ा हमें दो सुमित्रा, घर का काम हम करेंगे। अच्छा तो तुम छुप छुप के सास बहू की बातें सुन रही थी। लेकिन शायद तुमने ये नहीं सुना कि माँ जी ने घर की सफाई की जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू को दिया, तुम्हें नहीं। देखो ना तो तुम इस घर की बहू हो और ना ही तुम्हें कोई घर का काम आता है। अब हम सुबह सुबह तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते, कपड़ा हमें दो, सफाई हम ही करेंगे। कौन घर की बहू बनने लायक है और घर का काम किससे आता है ये तो आज सबको पता चल ही जाएगा। कपड़ा हमें दो सुमित्रा। तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, दे देती हूँ। वैसे भी ये काम सूट करता है तुम पर। पता है विवेक जी, किन्नी तो ना एकदम पागल हो गई करण जी के पीछे, जैसे फर्स्ट साइड लविंग हो गया उसको। मैंने भी उसे बोल दिया, गिन्नी तू और करण जी ना एकदम ब्यूटीफुलिंग लगते हो साथ में। माया क्या जरूरत है तुम्हें गिन्नी को ऐसे बोलने की? क्यों उस बेचारी को ऐसे सपने दिखा रही हो जो कभी पूरे नहीं हो सकते? आज ये अचानक से इतना लविंग कहाँ से आ रहा है आपको अपनी बहन के लिए? ऐसे मैं जो भी करती हूँ ना विवेक जी, फुल थिंकिंग के साथ करती हूँ। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये, कल जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हमें थोड़ी पता था कि बेबी जी और करण जी एक दूसरे के दोस्त हैं। उससे पहले हमें करण जी गिन्नी के लिए एकदम परफेक्टिंग लगे थे कि नहीं? जरा थिंकिंग करो विवेक जी, अगर गिन्नी को बाई चांस करण जी ने पसंद कर लिया तो उसकी तो लाइफ ही सेटिंग हो जाएगी। गिन्नी को इतना रिच लड़का कहां मिलेगा? और उसके साथ साथ हमें भी तो हेल्पिंग हो जाएगी ना, कल को करण जी हमारा भी साथ देंगे हमारा नया घर बनाने में, है ना? हाँ बात तो वैसे बिल्कुल सही कह रही हो तुम ना पूरा दिन बैठ के ये शेख चिल्ली की कहानियां बनाती रहा करो। पिछली बार जब बेबी जी की शादी हो रही थी रघु भैया से, तब भी तुमने ऐसा ही कहा था, है ना? और मिला क्या बताओ? उल्टा हमें सारा खर्चा उठाना पड़ रहा है। ओह विवेक जी आप कितना नेगेटिव थिंकिंग करते हो ना। करण जी कोई बेबी जी की तरह पागल थोड़ी ना है कि वो सब कुछ दान में दे दे। अरे वो तो जेंटलमैन टाइप्स है, वो तो यहाँ आएंगे और गिन्नी से शादी करेंगे, ना कि हमारे साथ यहाँ के लिविंग करने लग जाएंगे। पर्दे तो लग गए, अब मैं जाके सबके लिए कचौरी और नाश्ता बनाती हूँ। रुको सुमित्रा, हमने तुमसे कहा ना कि इस घर का काम हम ही करेंगे, तुम नहीं, क्योंकि इस घर की बहू हम हैं। किचन में पांव रखने की हिम्मत भी मत करना, जाओ यहां से। सुमित्रा ये मैं क्या सीन कर रही हूं? ये बीबी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी इंसल्टिंग करके चली गई और तुम एंग्री होने के बजाय स्माइलिंग कर रही हो। हार हार मान ली क्या तुमने? क्या मैं आपको हार मानने वालों में से लगती हूँ? अब इसमें अंडरस्टैंडिंग करने वाली कौन सी बात है? अगर बीबी जी सारा काम डूइंग करेंगी तो तारीफें भी तो उन्हीं को मिलेंगी ना, इसका मतलब जीत तो उन्हीं की हो गई। बीबी जी काम कर नहीं रही, मैं उनसे काम करवा रही हूँ। सारी मेहनत वो करेंगी और तारीफें मैं बटोरूंगी। आप तो आज देखना क्या क्या तमाशे होते हैं। अच्छा तुम और तुम्हारी प्लानिंग तुम ही जानो। Yeah.
अरे वाह, ये नालायक तो बड़ी काम की निकली। नाश्ता तो इसने बना लिया, अब अगला काम मैं करूंगी। ये वही पर्दे है ना शिवानी, जिन्हें लगाकर पिछली बार तुमने माँ से बहुत तारीफ हासिल की थी। अब ना रहेंगे ये पर्दे और ना मिलेंगी तारीफें। सॉरी शिवानी।